चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी हम सभी का फेवरेट नमक पारे की रेसिपी, बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारे। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 बाउल यहाँ पर मैदा, ये 500 ग्राम के लगभग मैदा है। साथ में डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून हमने डाल दिया यहाँ पर मगरेल यानी कलौंजी। साथ में डाल देंगे 3 चम्मच ऑयल, आप यहाँ पर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त आटा लगाकर तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मोइन के लिए तेल का इस्तेमाल किया है, आप घी का या फिर वनस्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा हमने एक टाइट सा डो लगाकर तैयार कर लिया है। इसमें हल्का सा ऑयल लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि अच्छे से रेस्ट हो जाए और इससे फिर हम जो भी चीज़ें बनाते हैं ना वो काफ़ी खस्ता बनती हैं। तो अच्छे से ऑयल हमने लगा दिया है, अब इसको रख देंगे साइड में थोड़ा सा सेट होने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, आटा बहुत अच्छे से हमारा रेस्ट हो गया है। इसको एक बार फिर से नीट कर लेंगे जैसे कि एक बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए और ये आटा समय में एक सार हो जाए। आटे को रेस्ट करने ज़रूर रखना है, इससे बहुत ही अच्छी हमारे नमक पारे बनकर तैयार होंगे। आटा अच्छे से नीट होने के बाद इसका एक पोर्शन हम कट कर लेंगे। तो जितना आपको बेलना हो उस हिसाब से आप यहाँ पर एक पोर्शन कट कर लें और इस तरह से हमको इसको रोटी जैसे बेलना है। तो जितने पतले बड़े मोटे आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको पतला बेल सकते हैं। हल्का सा हमने इसमें आटा भी डस्ट कर लिया है जिससे कि आसानी से इजी से बेल जाए। तो हम इसको अब बेल लेते हैं। अब हमको दोबारा इसमें आटा या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छे से हम इसके एक सीट बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारी स्टेप्स हमें इसी तरह से पतली पतली सी कट कर लेना है और इसको हमें गर्मा गर्म तेल में फ्राई करना है। तेल को हमने बहुत अच्छे से पहले गरम कर लिया है, अब इसका फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है और इसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये चिपक गए हैं तो अब ये कैसे बनेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे वैसे वैसे ये एक दूसरे को छोड़ देंगे। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अब ये चिपक गए हैं तो ये अभी एक साथ सब चिपके हुए बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। बहुत अच्छे से ये अलग अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे इसको हम फ्राई होने देंगे और ये देखिए तेल में ये अपने आप ही छूटना शुरू हो जाते हैं। गोल्डन क्रिस्पी होने तक इनको हमें फ्राई करना है। तेल गर्म होने के बाद गैस का टेम्परेचर बिल्कुल मीडियम टू लो रख दें या फिर मीडियम टू हाई रखें। बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है और इसको इसी तरह से फ्राई करना है जब तक कि बढ़िया सा सुनहरा कलर ना आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं इनमें हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। सभी नमक पारे अलग अलग हो चुके हैं हमारे और इनको हम इसी तरह से चलाते हुए फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुनहरा कलर आ गया है। आप डार्क ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और इस तरह से लाइट रखना चाहते हैं तो आप तब भी आप ऐसे रख सकते हैं। अब ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम किसी भी स्ट्रेनर छन्नी में निकाल लेंगे जिससे कि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए और नमक पारे अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और ठंडे भी हो जाएँ। तो इन्हें अब हम निकाल देंगे बाहर, किसी भी टिश्यू पेपर में डायरेक्ट ना रखें, पहले आप थोड़ा सा छन्नी में रखें, जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा और ये अपने आप ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद ही आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखें तो यकीन मानिए ये महीनों तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर केवल कलौंजी डालकर इस्तेमाल किया है, आप थोड़ा मसाले वाला बनाना चाहते हैं तो आप चिली फ्लेक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से तैयार हो गए हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारे हमारे नमक पारे। आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, ये सभी को बहुत पसंद आता है साथ में एक कप चाय हो। तो आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।